एवरीवन, आज हम करेंगे अमेज़न अंडर ₹200 टॉप्स का हॉल। आई गॉट इतने सारे टॉप्स एंड मुझे और भी मिल रहे थे लेकिन उनका डिलीवरी डेट थोड़ा लेट था, तो अभी के लिए ये वीडियो के लिए सिर्फ इतने टॉप्स है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट वन पैकेट जो मेरे डैड ने सुबह सुबह खोलिया थिंकिंग की उनका फोन कवर है। सो आवर फर्स्ट वन इज गंजी लग रहा है। Okay, this is the top and this is exactly a ganji. इस वाले टॉप का प्राइस सिर्फ 99 rupees है, लेकिन मालूम डिलीवरी चार्ज कितना लिया गया था? 80 rupees. इसलिए इट स्टिल बिकम्स लाइक अ 170 rupees का टॉप. तो ट्राई करके देखते हैं इफ इट इज वर्थ दैट और नॉट. इज दिस अ गुड 99 rupees वाला टॉप? या बट द कैच इज इसमें सारे साइजेस ये प्राइस के नहीं है, सिर्फ यही कलर का यही साइज 90 rupees का था. एंड दैट्स द कैच कि वो लोग 90 rupees का लिस्ट करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर साइज सस्ते में डाल देते हैं एंड बाकी सारे टॉप्स 299, 399 के थे. तो मेरा तो नसीब निकल गया कि चलो दिस इज फिटिंग मी, मटीरियल अच्छा है बट साइजेस का ये पार्शियलिटी गलत है. फॉर मी आई गिव इट 3 out of 5, इट्स नॉट बैड. नेक्स्ट पीच कलर का है ये. आई एक्चुअली डोंट रिमेम्बर ऑर्डरिंग दिस. अरे ये तो वो वाला टॉप है जो मैंने अभी कोई और वेबसाइट से भी लिया है. आई गॉट इट फॉर अराउंड 300 bucks. ये वाला इफ आई रिमेम्बर राइटली 99 rupees का था. इसको ट्रायल करके देखते हैं कि इसका फिटिंग वगैरह कैसे आ रहा है, बट कलर तो बहुत प्यारा है. आई जस्ट गो ऑन चेंजिंग का. ये है फिटिंग टॉप का. आई एक्चुअली टेक माई वर्ड्स बैक. ये जो है ये माइक है जो हम हर टॉप के बाद चेंज कर रहे हैं, तो डोंट माइंड दिस प्लीज. ये भी माइक का सेफ्टी पिन है. कमिंग टू द टॉप, मेरे को ये नहीं पसंद आया. आई लाइक द टॉप फ्रॉम द अदर वेबसाइट बेटर. एटलीस्ट वो फैब्रिक थोड़ा लूज तो है, मतलब सांस लेने को हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइट है, मेरे को कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है. बाकी आई थिंक इट्स फाइन. मतलब इसका डिज़ाइन उतना वैसा दिख नहीं रहा जैसे इनको फोटो में दिखा था, तो इट्स ओके. मतलब अगर आप बेसिक कैमिसोल टाइप ढूंढ रहे हो ठीक है, वर्थ द मनी. लाइक मॉल से तो सस्ता ही है, पर अगर आपको मस्त हॉट एंड कॉलर ढूंढ रहे हो, नो. आई गिव दिस लाइक अ 2 out of 5 बिकॉज मेरे को इसका दूसरा कलर ट्राई करने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन ठीक है, प्लीज गिव इट अ शॉट. ये वाला मीडियम साइज में है, ये और भी छोटा लग रहा है इससे. मेरे को नहीं मालूम हाउ आई एम गोइंग टू फिट इन दिस, बट आई ट्राइड फॉर यू एंड आई विल बी बैक. इसका सेम प्राइस था, मेरे को तो साइज ऑप्शन भी नहीं मिला मालूम है. लिटरली आई वाज क्लिकिंग हर एक कलर में हर एक साइज एंड जो भी सस्ता है 200 के नीचे वो ले लो, साइज ऑप्शन भी नहीं मिला, तो पहन गए. तो ये टॉप ऐसा दिखता है. आराम से देख लो पहले सो दैट यू कैन डिसाइड इफ यू लाइक द पैटर्न और नॉट. आगे से इट लुक्स जस्ट लाइक अ कैमिसोल एंड पीछे से ऐसा थोड़ा टी बैग टाइप शेप है इसका. एंड इसका लेंथ बहुत छोटा है. मैंने हाई वेस्टेड डेनिम पहनी हुई है अभी, तो इसलिए इतना छोटा नहीं लग रहा होगा, बट जो नॉर्मल डेनिम होती है वो यहाँ तक आती है, तो इतना वेस्ट लाइन दिख जाएगा. मीडियम साइज है यार ये, मतलब मीडियम इतना छोटा है तो साइज उस हिसाब से लेना अगर आप लेना चाहते हो. बट आई लाइक द ग्रीन कलर मोर. मुझे लगता है कि ये पैटर्न में ना डार्क कलर्स बेहतर लग रहे हैं, तो इस वाले को आई गिव 3 out of 5 क्योंकि हाँ ये थोड़ा ज़्यादा डिसेंट लग रहा है मतलब डेनिम के साथ. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉप. तो पार्सल खोलने में मजा आता है, वो तो पहले वाला डाल ने खोल दिया सुबह, वरना आई वुड हैव एंजॉयड मोर. ये हनी से है, हनी आई थिंक पैंटलूंस का ब्रांड है. हाँ यार वो लोग के टी शर्ट वैसे सस्ते तो आते हैं, बट आई डोंट रिमेम्बर वो लोग 200 की टी शर्ट अभी बेचते हैं कि नहीं. पहले बेचते थे. इस पे MRP तो लगी है 399 की, लेकिन मेरे को याद है ये 200 के नीचे था पक्का. ये टॉप में फ्री शिपिंग था एंड ऑनेस्टली इसका मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, बस फिटिंग पहन के देखती हूँ. इसमें भी लेकिन सेम लोच आया साइजेस का. अगर दूसरा साइज लोगे तो वो और महंगा था. ये सबसे सस्ता वाला साइज था जो है स्मॉल. पहन के देखते हैं. तो ये है टॉप, अभी तक का ये मेरा सबसे फेवरेट रहा है क्योंकि इसका लेंथ ना काफी लंबा है. ऑल्दो मैं ये लेंथ के टॉप प्रेफर नहीं करती, लेकिन आई नो कि काफी सारे लोग प्रेफर करते हैं, तो उस वजह से अच्छा है. मुझे टक इन करके ऐसे पहनना ज्यादा पसंद है टॉप. और एक चीज पसंद है कि स्लीव्स एकदम सही है, नेकलाइन सही है एंड स्ट्राइपी है, प्लस ग्राफिक छोटे छोटे बबल्स में ऐसा लव वगैरह लिखा है, तो सही है. मतलब हैज टू बी फुल ऑन पैसा वसूल फॉर 148 rupees. अभी जहां तक मुझे याद है मैंने हनी से 2 टॉप मंगाए थे, तो ये दूसरा वाला वैसा ही रहेगा. ओ
ये अच्छा वाला है। मैंने ये ब्रांड ये वीडियो में एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट Amazon surprised us. Forever 21. Under rupees 200. Amazon video. What? तो ये टी शर्ट मिला, इसमें बहुत सारे होल्स हैं, मे बी उस वजह से सस्ता है, एंड दैट वुड हैव बीन मेरी दादी का रीजन कि फटा हुआ इसलिए सस्ते में निकाल दिया। बट हमें मालूम है कि रिप का आजकल ट्रेंड बहुत चल रहा है, तो रिप चीज़ें यूजुअली ज़्यादा महंगी होती है, एंड इसमें MRP लिखा है 689। मेन तो मैं इसको गार्ड बांध के जिम में पहनने का सोच रही हूँ, लव इट। मेरे को लगा था कि ये पतला रहेगा तो अंदर से लॉन्जरे दिखेगा, लेकिन ये एक्चुअली काफ़ी जाड़ा है, न्यू लॉन्जरे के ऊपर सही लग रहा है। इसके रिप्स ना ऐसा नहीं लग रहा कि एक्सीडेंटली फटा है, अच्छे से ऐसे प्लेस किया है। ये ऊपर जो शोल्डर के इधर है ये वाला भी बहुत सही लग रहा है, तो आई लव दिस। आई एम ऑलरेडी लाइक ऑर्डरिंग मोर ऑफ दिस अगर इसमें कलर्स होते तो। आइडियली मैं इसको ऐसे ही पहनना चाहूँगी जिम जाते वक्त, तो गांठ वाठ बांध के। पसंद है मेरे को तो ऐसा दिखता है ये टॉप। इसके लिए तो Amazon को फुल 5 stars, लाइक 6 out of 5, क्योंकि अच्छी क्वालिटी है, अच्छा ब्रांड है, बहुत ज्यादा डिस्काउंट में दिया है। मेरे को तो ये ओरिजिनल लग रहा है, मेरे को बिल्कुल फेक नहीं लग रहा, तो बिगेस्ट मार्क्स, फुल मार्क्स। नेक्स्ट पैकेट, क्रिसमस का फीलिंग आ रहा है, और खुद के पैसे से खुद का भी। एम्ब्रॉयडरी वाला टी शर्ट मेरे को यार नहीं है ये वाला, प्लस इसके शोल्डर पे बटन बटन है यार, मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन। इस पे भी आदित्य बिरला वाला डाई, आदित्य बिरला का मेरे को और थोड़ा रिसर्च करने का, हाउ आर दे मेकिंग इतने अफोर्डेबल टॉप्स और वो भी और डिस्काउंट में। पीपल है ये वाले ब्रांड का नाम, और ये रहा इसका प्राइस 599। स्मॉल के लिए एक्चुअली काफ़ी बड़ा है, आई थिंक इसका फिटिंग ही लूज वाला होगा, तो दैट्स अ गुड थिंग। अभी चेंज करते हैं, ये उतना बड़ा नहीं है जितना मेरे को लगा था, फिटिंग इज एक्चुअली क्वाइट नाइस। ऑल्सो जो लोग सालों से अपना चैनल देख रहे हैं उनको मालूम है कि मैं झूठ नहीं बोलती, लेकिन जो नए लोग आते हैं ना वीडियो पे कभी कभी उनको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और इतना सस्ता नहीं था। तो जो भी प्राइसेस है ना मैं जानबूझ के स्क्रीनशॉट डाल रही हूँ ताकि आपको मालूम पड़े कि एक्चुअली वही प्राइस पे लिया था, मैं झूठ नहीं बोल रही। बट कमिंग टू दिस टॉप, फुल ऑन वसूल है, लाइक फॉर 150 rupees एम्ब्रॉयडरी मिलना सुपर, एंड प्लस ऐसा डिटेलिंग वीटेलिंग भी अच्छा है इसका, एकदम प्लेन एंड सिंपल। ये प्योर कॉटन नहीं लग रहा है मेरे को, ये थोड़ा ब्लेंड लग रहा है। आई लाइक इट, दिस वन आल्सो मैं 5 out of 5 फुल मार्क्स देती हूँ, मेरे को बहुत पसंद आया। ओके, और फॉरएवर 21 दिख रहा है थैली में से। आई रिमेम्बर दो टॉप्स थे, एक आई थिंक गंजी टाइप लिया था मैंने, ओहो लॉस एंजलिस। आई रिमेम्बर जब मेरे घर के नजदीक एक फॉरएवर 21 था, मेरे को ये वाली सेफ्टी पिन बहुत प्यारी थी, अब मैं जमा कर रही थी, कभी यूज नहीं किया लाइफ में, पर बस जमा करना था मेरे। ओहो इसको तो हम ड्रेस ही बना लें, इस पे दाग है, छी यहाँ पे दाग है, तुम्हें क्या मालूम है किस चीज का दाग है, मेरे को ट्रायल नहीं करना। इसका प्राइस तो देखो 949, मतलब प्लस इसका आर्म होल बहुत बड़ा है, तो अंदर ट्यूब टॉप तो पहनना ही पड़ेगा वरना और दर्शन। 181 rupees हैज मेड मी अ पार्ट ऑफ मुन्ना भाई का गैंग, मेरे को तो वैसा वाला फीलिंग हो रहा है कि ये क्या पहन लिया। एक्चुअली साइज पे जज मत करना क्योंकि ये लार्ज साइज है तो इसलिए ये बड़ा है मेरे लिए, बट इसका पैटर्न ही मेरे को कुछ जम नहीं रहा, थोड़ा सा अजीब है। नॉर्मल नॉट तो है ही, वो तो मतलब मैं पूरा टाइम वो करते ही रहती हूँ, तो वो तो ऐसे करना, बट ये थोड़ा बल्की हो रहा है और इतना अच्छा भी नहीं लग रहा। इसमें भी रिप्स है, मतलब कहीं कहीं से फटा हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे, लेकिन वो पहला वाला तो कुछ और ही था, तो अगर दोनों में से मेरे को चूज करना पड़े तो मैं उसको चूज करूंगी एनी डे, इसको
सच में 1 out of 5 मार्क्स दूंगी, मेरे को ये वाला बिल्कुल पसंद नहीं आया, भले ही कितना भी डिस्काउंट हो, तो मैं ये वाला नेक्स्ट एड्रेस नेम को लगा एड्रेस सही सही कुछ अच्छा कलर है टॉप बहुत अच्छा है एक्चुअली, प्लेन है, कहीं पे अजीब बीट्स और बटन्स वगैरह नहीं है, बट मटेरियल बहुत अजीब है, एकदम पॉलिएस्टर जैसा लग रहा है, ट्राई करके जज करते हैं। सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब देख के जो मुझे अजीब लग रहा था ना उतना अजीब नहीं लग रहा है। बाल आगे इसलिए है क्योंकि ये बहुत हद से ज्यादा टाइट है, शोल्डर से, आर्म से, चेस्ट से, इसलिए मैं थोड़ा छुपाने का ट्राई कर रही हूँ, बट अगर आपका साइज डिस्काउंट में है तो आई थिंक यू शुड ट्राई इट। ये जो स्ट्रिंग है ये शो की है, ये खुलती भी नहीं है, एंड आई काइंड ऑफ प्रिफर दैट, क्योंकि अगर स्ट्रिंग बार बार खुलती रहती है तो बांधने की झंझट करनी पड़ती है, सिर्फ पीछे की ये जो स्ट्रिंग है ये वाली खुलती है, तो एकदम अपना साइज ही मंगाना, अपने साइज से बड़ा मंगाना, बट दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। नेक्स्ट लास्ट थैली बचा है, खत्म हो गए प्रेजेंट्स, काइंड ऑफ मैं खुश भी हूँ क्योंकि वो बहुत लग गया। आई सी समथिंग नाइस, स्ट्राइप्स था वन ऑफ माय फेवरेट है, मतलब मुझे बहुत पसंद है स्ट्राइप्स, मटेरियल भी सही है, ओके व्हाट इज दिस, क्यूट, इसका लेंथ भी अच्छा है, तो मुझे ना एकदम लंबे टॉप्स नहीं पसंद, मुझे वही टॉप्स पसंद है जो ऐसे जीन्स जहाँ से शुरू होती है वहां पे खत्म हो जाए, मतलब एकदम यहाँ पे, एंड मुझे लग रहा है कि ये टॉप वैसा ही वाला फीलिंग देगा। ये है कहाँ से, ये भी पीपल करते हुए ब्रांड है, मुझे ना पीपल कहाँ पे मिलता है कि रिटेल में है भी कि नहीं, बट आर बेस्ट फ्रेंड आदित्य बिरला वहां से है ये टॉप, इसलिए शायद डिस्काउंट में है, 399 था MRP, पहन के देखती हूँ इफ आई लाइक इट और नॉट, लेट्स सी, दिस इज माई न्यू फेवरेट टॉप, मेरे पूरे वार्डरोब में से मेरे को ये सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि इतना परफेक्ट लेंथ मैंने ब्रांडेड शोरूम से भी नहीं लिया, एंड इसका मटेरियल बहुत कंफर्टेबल है, और गंजी होने के बावजूद ये फुल्ली कवर्ड है, मतलब वो टी बैग वाले प्रॉन्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एकदम फुल्ली कवर्ड है, आर्म होल भी परफेक्ट है, ना सफोकेटिंग है और ना एकदम डीप है, भगवान भला करे जिसने भी ये टॉप को डिजाइन किया और एग्जीक्यूट किया, क्योंकि ये बेस्ट है, मतलब यू हैव टू ट्राई दिस, अगर ये MRP में मिल रहा है ना 399 में, तो भी मेरे को तो ये वर्थ लग रहा है, फुल फ्री डिलीवरी भी था तो और क्या चाहिए। मैंने 6 out of 5 था ना पहले, आई गिव दिस 10 out of 5, 200% मार्क्स, मेरा मूड अच्छा हो गया अभी। ओह ये भी क्यूट लग रहा है, हनी, ओके अनदर पैंटलूंस गुड मटेरियल, सच गुड मटेरियल, वाओ। ये है हमारा नेक्स्ट टॉप, आई लाइक हाउ बिग दिस इज, मतलब एकदम कंफर्टेबल वाला फीलिंग आएगा, एंड जब तक यहाँ पे विंटर शुरू नहीं होती ऐसे कपड़ों की जरूरत रहेगी वार्डरोब में, इसका भी MRP 499 लिखा हुआ है, ट्राई करके आती हूँ, सुपर कंफर्टेबल, एंड ये एकदम शॉर्ट्स के साथ पहना और इतने शॉर्ट्स दिखेंगे ना तो भी एकदम कूल लगेगा, एंड चाहिए तो अपना यूजुअल गार्ड बांध लो तो भी क्यूट लगेगा, वो इसको भी 5 out of 5, प्रिंट भी कूल है, मतलब कैक्टस है, स्टे वाइल्ड लिखा है अलग अलग छोटे छोटे बड़े साइज में, नाइस वन है, कलर भी क्यूट है, एंड आई थिंक वी आर ऑन आर लास्ट टॉप नाउ, द लास्ट थिंग आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट राइट नाउ इज वर्किंग आउट, हाँ ये स्पोर्ट्स का टॉप है, मेरे को याद है मैंने जब इसको
फोटो में देखा था तब वो मॉडल को भी फिटिंग बहुत अजीब थी, बहुत ज्यादा अजीब थी, तो वो ही देख के मैंने लिया था कि चलो मैं रिव्यू दे देती हूँ कि ये वर्थ है कि नहीं। आई थिंक ये अमेज़न की खुद का ब्रांड है सिंबल करके, उनके वेबसाइट पे भी लिखा था एंड टैग पे भी वही लिखा है amazon.in/symbol। तो क्या मालूम, ये 599 का MRP है बट ये वेबसाइट पे था सिर्फ 133 रुपीज में। पहन के देखती हूँ मैं इसको, स्पोर्ट्स ब्रा के साथ ही पहन के देखती हूँ कैसा लगेगा। आई विल बी राइट बैक। मैंने फोटो में जो देखा था एग्जैक्टली वही इशू है, ये लार्ज साइज है एंड इतना टाइट है कि माइक भी नहीं मैं डाल पाऊंगी अंदर, इसलिए मैंने हाथ में पकड़ रखा है। साइजिंग का इशू अगर साइड पे रखे तो एक्चुअली मटेरियल इज नॉट बैड, और अगर हमेशा इतने डिस्काउंट पे रहेगा तो 133 ऐसे क्वालिटी के लिए काफ़ी अच्छी प्राइस है। डिज़ाइन भी ठीक ठाक है, मतलब सिंपल बेसिक टैंक टॉप है, लेकिन वर्कआउट वेयर के लिए आई थिंक ये एक्चुअली सही रहता। तो अगर आप लेने वाले हो तो प्लीज़ याद रखना कि इसका लार्ज का साइज एक्स्ट्रा स्मॉल जैसा फिट आ रहा है मुझे कंपेयर टू बाकी के स्पोर्ट्स कपड़े के ब्रांड, तो उस हिसाब से लेना। बट हाँ, ये ऐसा लगता है, आई डोंट नो, मैं मेरे बाल नहीं होते तो मैं ऑकवर्डनेस कैसे छुपाती मेरा, बट आगे से सिर्फ ऐसे दिखने मिलेगा, पीछे से ऐसा। इट्स ओके, मतलब बट इतना टाइट है ना कि काइंड ऑफ सफोकेटिंग है, तो आई थिंक मैं ये वाला ना रिटर्न करने वाली। दिस वॉज मी ट्राइंग 200 रुपए के नीचे Amazon के टॉप्स, एंड अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा तो सारे के सारे टॉप्स की लिंक नीचे होगी, एंड मुझे जो भी और पसंद आ रहा है टॉप्स मैं उसकी भी लिंक डाल दूंगी नीचे। एंड इफ यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो देन दैट मेक्स मी वेरी वेरी हैप्पी। कॉमेंट सेक्शन में ये बताना कि अगला एपिसोड किस चीज पे करना चाहिए, सस्ता मेकअप या सस्ते एक्सेसरीज या बैग्स या वापस कुर्तियां देखना है, वो मुझे जरूर बता देना, एंड अगली बार ऐसा वीडियो करेंगे। तो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन गुड बाय।